अपनी विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑन कैसे होता है तो मैं आपको ऑन करने का तरीका सिखा देता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब के बिल्कुल बराबर में ये जो बेल आइकन नजर आ रहा है इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, अपने इस चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, अपने इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो होगी वो इस टॉपिक पर होगी कि जो है हम अपने फाइल नेम एक्सटेंशंस कैसे खोल सकते हैं अपनी विंडोज़ में, ठीक है। फाइल नेम एक्सटेंशंस क्या होते हैं? फाइल नेम एक्सटेंशंस ये होते हैं कि अगर हमारी इमेज की फाइल है तो उसके अंदर .png लिखा हुआ आना चाहिए, अगर हमारी जो है जेपीईजी की फाइल है तो उसके अंदर JPG आना चाहिए, अगर हमारी MP3 की फाइल है, म्यूज़िक की फाइल है तो उसके अंदर .mp3 आखिर में लिखा हुआ आना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि यार ये कौन सी फाइल है। अब MP3 फाइल है, मुझे पता है ये MP3 फाइल है, ठीक है। अगर MP3 के अलावा अगर मेरे पास .aac फाइल है और अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स हैं तो अगर इस तरीके से फिर मुझे अंदाज़ा लगाना है तो मैं किस तरीके से लगाऊँ कि ये कौन सी फाइल है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको आपको ऑन करना सिखा दूँ, जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो आ जाएँ इस PC के अंदर, यहाँ पर मैं डाउनलोड्स खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेजेस आ रही हैं उसके साथ लिखा हुआ है .jpg, और अगर कोई यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर लिखा हुआ है .msi, ठीक है। तो इसको हटाते कैसे और इसको लगाते कैसे? जब हम अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑन कैसे होता है तो मैं आपको ऑन करने का तरीका सिखा देता हूँ। हम जाएंगे, अगर विंडोज़ 10 में हैं हम तो यहाँ पर हम जाएंगे व्यू में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइल नेम एक्सटेंशन का। सबसे आसान तरीका है विंडोज़ 10 में कि आप डायरेक्ट अपना ये जो व्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन आपके पास गिवन है, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर सब हट गया। अब मुझे नहीं पता चल रहा ये कौन सी है, JPG फाइल है या PNG फाइल है, जब तक मैं इसके ऊपर ओवर करके अपना माउस को छोड़ ना दूँ थोड़ी देर, इसके बाद ये अपनी डिटेल्स देना शुरू हो जाए, ठीक है। देखें, अब यहाँ पर मैं इसको ओवर करके रखता हूँ तो यहाँ पर PNG फाइल लिखा हुआ रहा है, या फिर मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा तो मुझे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कि ये PNG फाइल है, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम फाइल नेम एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे दोबारा तो हमारा ये जो है दोबारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना अगर ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।